हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है वीवो का कोई भी डिवाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे हाथ में वीवो का T1 मोबाइल, और इसमें हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं iPhone 14 प्रो मैक्स को। जी हाँ दोस्तों, कैसे अपने फोन को iPhone 14 प्रो मैक्स के जैसा बना सकते हो इजिली, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक यार चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार सबसे पहले देर मत करो, वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कुछ फाइलों की, जिनको आप कंप्लीट देखिएगा, सेटअप बाय सेटअप समझाऊंगा। लिंक मैंने दे दिए 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है। आप डायरेक्टली जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सेटअप कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, बस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से परमिशन जो भी मांगता है अलाउ कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ से जो कुछ नहीं करना है, परमिट ड्राइविंग ओवर अदर एप्लीकेशन सबको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ से जो फाइंड करना है उसी एप्लीकेशन को, और यहाँ से इसको भी अलाउ कर देना है एंड एग्री कर देना है। एंड इसके बाद में अगेन से ऊपर ही आ गई, हाँ ये देखो, ये तो ऑलरेडी अलाउ है यार, एक सेकंड, हाँ सिस्टम होम स्क्रीन सब कुछ अलाउ, चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यस, और यहाँ से इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को अलाउ करते जाना है, ओके। फुल स्क्रीन पे हम चाहते हैं तो भाई फुल स्क्रीन ही चाहिए, अगर बटन रखना चाहते हो तो बटन रखें, हम फुल स्क्रीन चाहिए भाई। फुल स्क्रीन होने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, सेट एज डिफॉल्ट लॉन्चर्स पे क्लिक करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, सारा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा, ओके फाइन। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों का कंट्रोल पैनल निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। इस साइड से आप जो रिसेंट ऐप को एग्री कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इसकी परमिशंस को ऑन कर दीजिएगा, यस, एंड बैक हो जाइए, अब सारा काम आपका फिट है, ठीक है। आप एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये ऐप निकल के आ जाएंगे, होम स्क्रीन पे डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, बटन भी आएंगे लेकिन बटन जो ऑटोमेटिकली हाइड होते रहेंगे। बट यार अभी पहले देख लो कंप्लीट वीडियो को, ये काम हो गया, कंट्रोल सेंटर बताई दिया मैंने, यहाँ से आ सकता है और यहाँ से भी आएगा, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल सेंटर आएगा, यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा आपको, ये दूसरा आएगा, और इस तरीके से करोगे तो ये आईफोन वाला आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही काम करेंगे। यहाँ से जो टच बॉल काम करेगी आपकी, जो भी आप यूज करते हो, जो आईफोन में अक्सर आप लोगों ने देखी होगी। एंड इसके बाद में यहाँ पे और चीजें बताना है, दूसरा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है जो कि हमारी ये वाली थी, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पे 4K वॉलपेपर्स वगैरह रिलेटेड कुछ आएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। एंड टाइम देने के बाद में यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स वाले जो वॉलपेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है, भाई ये थोड़ा सा रॉन्ग चला गया, डायनामिक पे क्लिक कर लेना है, ओके, और यहाँ पे आईफोन 14 प्रो सर्च कर लेना आपको सिंपल सा, ठीक है, सर्च में जाके आईफोन 14 प्रो लिख लेना है, आईफोन 14 प्रो, ठीक है, इतना आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप इसे सर्च करोगे एवरीवन तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी गाइस बाय मिस्टेक, वो दूसरा एप्लीकेशन हो गया था, वो दरअसल मिक्स हो गए थे ना, तो आपको जो दूसरी एप्लीकेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, जो लिंक मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाला मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, वो आपको मिलेगा ही नहीं, डोंट वरी, ठीक है, यही मिलेगा, दरअसल मुझसे बाय मिस्टेक दरअसल हो गया था। तो आप जैसे ही इसे डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट कोई इशू नहीं है, आप लोग यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, कट कीजिएगा डायरेक्टली, जैसे स्किप हो जाए कट कीजिएगा, और यहाँ पे आपके सामने काफी सारे वॉलपेपर्स आ जाएंगे, इजीली आप यहाँ पे ऐड वगैरह देख के इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके, मैंने इसको कट किया, ओ फाइन, और यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए, सेट एज डिफॉल्ट, ओके, सेट पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव भी हो गया, और यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे ही कनेक्ट हो गया। एंड इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है, क्योंकि तीसरी एप्लीकेशन की आप लोगों को काफी जरूरत पड़ेगी, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ, डायनामिक के नाम से ये वाली एप्लीकेशन, यहाँ से आपको इसको ऑन कर लेना, ठीक है, ये ऑन रहेगी, ये ऑन करोगे तो यहाँ पे जैसे कोई भी आपके पास मैसेज आता है तो सारा काम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैसेज करके आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ अपने, ठीक है, तो एक मैसेज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ओके फाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, यहाँ तो शो हो गई होगा लेकिन यहाँ से हटने के बाद में यहाँ पे भी शो होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी शो होगा, जैसे कि आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है वैसे यहाँ पे भी शो मिलेगा, और आप लोग फाइनली देख सकते हो कि आपका जो फोन है वो वीवो का ये फोन
आप लोग देख सकते हो वीवो को फोन को हमने बना दिया है डायरेक्टली आईफोन 14 प्रो मैक्स के जैसा लुक। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही गजब का लग रहा है। आइकन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक एक आइकन से यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। ऐप लाइब्रेरी भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि सभी में मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईफोन के अंदर देखने को मिलती है यहाँ से। साथ ही आपकी जो फोन की बैटरी है वो चेंजेस हो जाएगी, नेटवर्क है वो चेंजेस हो जाएंगे, वाईफाई नेटवर्क है वो चेंजेस हो जाएंगे। कंट्रोल पैनल यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लुक आपके फोन को दे देगा। यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही गजब का लुक आपके डिवाइसेस को दे देता है। इसके बाद आपका फोन जो टोटली आईफोन 14 प्रो मैक्स के जैसा लगने लगा है। किसी भी चीज की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कमी रही है, ठीक है। सब कुछ जो एकदम ओके हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यार चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक है आपका आपके पास और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज यार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।